हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री एंड पार्ट फोर अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ अब जाकर बोला वीडियो देखें, तभी आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि जो लोग एग्ज़ाम आज दे रहे हैं, मतलब कि अभी 7 दिसंबर को जो लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, उन लोगों के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। क्योंकि भाई इस वीडियो में पूरा जितने भी कोडिंग क्वेश्चन अभी तक आए हैं और जितने मैंने सॉल्व किए हैं, उनका कंक्लूजन क्या था, क्या क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, किस बेस के क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं, टाइम क्या है, इंटर्नशिप पेड या अनपेड, मैं आपको इस वीडियो में जो भी है ना आपका डिटेल्स वो मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो फ्रेंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं आप लोग के लिए शाम के आई थिंक रात के 10:30 लगा हुआ, अभी सुबह के अभी देखिए सुबह के 3:21 टाइम हो रहा है। तो फ्रेंड अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज़ फ्रेंड थोड़ा सा आप लोग मुझे सपोर्ट दिखाइएगा, ताकि मेरा भी चैनल आगे जाके थोड़ा सा ग्रो हो पाए और मैं आप लोग की तरह इसी तरह हेल्प करता रहूँ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर दिखाया है, लाइक बिट वाइज ऑपरेशन, सीजर साइफर, फ्रीक्वेंसी काउंट, ज्योमेट्रिक, जीपी, मूविंग एप्पल, इतने सारे क्वेश्चंस जो है वो कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं, ठीक है। सुबह जो बैच है, तीन बैच है, मॉर्निंग, इवनिंग एंड आफ्टरनून, तीनों बैच में क्वेश्चन आपस में स्वैप हो रहे हैं, तो क्वेश्चन आपको या टफ या देखने को नहीं मिलेगा फ्रेंड, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम देना, मैं इस वीडियो में मैं आपको मटेरियल वगैरह प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप लोग को दिक्कत देने की बात नहीं है। चलिए इस वीडियो को हम लोग बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो मैं आप लोगों को कुछ कुछ बात क्लियर कर दूँ, ठीक है ना। इसमें जो होगा ऑल एमसीक्यू है टोटल मिला के, बस प्रोग्रामिंग को छोड़ के बाकी सब एमसीक्यू है, ठीक है। उसमें आपको 2 घंटे का टोटल टाइम ड्यूरेशन आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। और आगे बात करें तो इसमें आपको टोटल 12 सेक्शन है, जिसमें आपको एप्टीट्यूड में 8 मिनट्स का टाइम देना होगा, रीजनिंग में 8 मिनट्स, वर्बल में 8 मिनट और पजल में 6 मिनट, तो टोटल हो गए 30 मिनट्स। आपके पास टाइम कितना बचा है, 1 आवर 30 मिनट्स, मतलब कि 90 मिनट्स में आपको DBMS, डेटा बेस, OS, लिनक्स, थोड़ा सा क्वेश्चन टफ आ रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा एक बार गूगल से भी देख लीजिएगा, ठीक है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम और एक कोडिंग क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स। तो ये रहा इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स का क्वेश्चन। मैं आपको सारे कोडिंग क्वेश्चन का जो लिंक है मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप जाके वहाँ पर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, और इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स के लिए, गिग्स फॉर गिग्स का समझने के लिए, ठीक है। अच्छे से आप एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप लोग को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो ये क्वेश्चन आपका बीट वाइज का है, ठीक है। इसमें मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बताया था, इस क्वेश्चन को समझा दिया था, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका बीट वाइज का है, मैं सारा का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, ठीक है। ये आपका कैरेक्टर काउंट का है, ठीक है। ये आपका कोकोकू का आंसर है। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं, तो सबका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन पर सब कुछ मिल जाएगा। उसके बाद बात करेंगे तो आपका ये उसका ग्रेटर नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। ये ग्रेटर नंबर का क्वेश्चन है, मैं सोच रहा था कि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं, लेकिन एक्सप्लेन कोई फ़ायदा है वैसे भी है नहीं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन जाएगा, ठीक है। और आगे बात करें तो ये आपका मिनिमम पेनल्टी का क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका मूव एप्पल्स का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत रिपीट हो रहा है, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, हो सके तो स्क्रीनशॉट भी कर लीजिएगा आप लोग से हो पाएगा तो। आगे बात करें तो ये आपका परमोटेशन ग्रेटर नंबर है, मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, पहले आप लोग एक बार आंसर देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद ये आपका है रिमाइंडर मोड 11 का क्वेश्चन, ये आपका रिमाइंडर मोड 11 का जावा का क्वेश्चन है, जावा में सोल्यूशन है। ये आपका पाइथन का सोल्यूशन है, ठीक है। और ये आपका सम ऑफ GP, ठीक है। और क्वेश्चन के बाद ये मोस्टली क्वेश्चन आस्क हो रहे हैं, देखो ये कोकू सिक्वेंस, ये उसके बाद आपका यूलेट टॉयनेंट फंक्शन, ठीक है। ये उतना क्वेश्चन रिपीट नहीं हुए हैं, ये 2-3 बार ही आया है क्वेश्चन, ये रिपीट नहीं हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये द लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है सबसे ज़्यादा, ये इसका सोल्यूशन है लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम का, ठीक है। बस देख लीजिएगा अच्छे से आप, ये इसका सोल्यूशन ये वाला। और मैक्सिमम सब एरे, ठीक है, मैक्सिमम सब एरे, ये इसका ये है आपका नंबर ऑफ सिलेक्टिव आर्गूमेंट्स, ठीक है। देखो यही है गिवन पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट्स हो रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका मूविंग एप्पल्स का क्वेश्चन है, ठीक है। अगर पता है इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन इतना टफ नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान समझेंगे ना, इसे बोला गया, देखो देर आर 2 ब्रैकेट बास्केट्स विद द फर्स्ट कंटेनिंग 1 एप्पल एंड सेकेंड कंटेनिंग 3 एप्पल्स, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे 2 आपका है, पहला आपका 1 कंटेन किया हुआ है, दूसरा आपका 3 कंटेन किया हुआ है, ठीक है। इफ़ वी शिफ्ट 1 एप्पल फ्रॉम
द सेकेंड कंटेनर टू द फर्स्ट कंटेनर देन बोथ विल हैव टू एप्पल्स तो ओनली वन एप्पल वॉज रिक्वायर्ड टू मूव हैंस आउटपुट इज वन। इसमें हम लोग एक एप्पल को रिक्वायर्ड करेंगे क्या आपस में दोनों इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं सोल्यूशन आपको दिखा दूँ, ये रहा सोल्यूशन। ठीक है, अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो मैंने इसमें क्या किया है, सिंपल सा फंडा, ज़्यादा कुछ नहीं। इसमें क्या किया है, मैंने एवरेज निकाला है, टोटल का मैंने एवरेज निकाला है। ठीक है, पहले वाले में जो था उसको मैंने आपस में किया है, उसका देखेंगे तो मैंने बस लूप के अंदर में रेंज में इनपुट लेके रिजल्ट में उसको प्रिंट कर दिया एवरेज को, और कुछ नहीं किया है। सिंपल सा इसमें आंसर था, बस दोनों को आपस में कंपेयर करके एक शिफ्ट करके आउटपुट निकाल दिया। ठीक है, ये भी आपका मूविंग एप्पल का क्वेश्चन है, ये आपका इन्फिक्स का क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, इसमें अगर आप देखेंगे तो बोला राइट ए प्रोग्राम दैट टेक्स इनपुट एज ए स्ट्रिंग कंटेनिंग एन इनफिक्स एक्सप्रेशन एंड रिटर्न एवेल्युएटेड इनफिक्स एक्सप्रेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन से एक बार आप अच्छे से इसको देख लीजिएगा। ठीक है, सोल्यूशन मैंने आपको दिखाई दिया था, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा देखने को। ये आपका LCS लॉन्गेस्ट कॉमन सबसिक्वेंस। ठीक है, इसका भी आपको डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा। ठीक है, इसमें पता क्या करना है, इसमें वैसे उसमें कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं है। जैसे देखेंगे तो आपका ABA है ना, तो आपका क्या करना है, काउंट करना है कि कितने स्ट्रिंग मैच कर रहे हैं, एक BA मतलब थ्री होगा आउटपुट इसका। ठीक है, इसी तरह इस पर देखेंगे तो A मैच कर रहे हैं यहाँ पर आपका D और H, तो थ्री मैच कर रहे तो आउटपुट इज थ्री। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन, इसका सोल्यूशन भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। यह आपका लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस। ठीक है, सबका सोल्यूशन आपको चेक कीजिएगा, मिल जाएगा। ठीक है, एक बार आप क्वेश्चन को देख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये आपका नेक्स्ट ग्रेटर नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें पता है, इसमें नेक्स्ट ग्रेटर नंबर निकालना है। जैसे देखो, मान लो कि आपका कोई दिया हुआ है 182। ठीक है, तो 182 में ऐसा ग्रेटर नंबर क्या हो सकता है, ऐसा ग्रेटर नंबर अगर आप देखेंगे तो क्या होगा, 218। क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो बोला है गिवन ए नंबर एंड कंटेनिंग एटमोस्ट 1000 डिजिट, फाइंड द नेक्स्ट ग्रेटर नंबर हैविंग द सेम डिजिट, इट इज़ ग्रांटेड दैट देयर एग्जिस्ट अ नेक्स्ट जनरेटर नंबर हैविंग द सेम डिजिट एज एन। ठीक है, ये आपका, ठीक है आगे बात करते हैं, ये आपका नंबर ऑफ डिकोडिंग। ठीक है, ये नंबर ऑफ डिकोडिंग क्वेश्चन है, ये उसका एग्जाम्पल वन एंड एग्जाम्पल टू। और मैं आप लोग को एक चीज़ दिखा दूँ, ठीक है, ये जो है अनपेड है, यहाँ पर देखेंगे, हम देखने को मिलेगा इट विल बी अनपेड 9 मंथ इंटर्नशिप। अगर आपका सिलेक्शन हो भी जाता है तो आपको 9 मंथ के लिए कोई भी इंटर्नशिप के लिए 1 रुपया मिलेगी नहीं। और हाँ, आप लोग को मैं एक बात और क्लियर कर दूँ, ये केवल 1500 को ही हायर करेगी एट लास्ट। तो ये आप लोग को ध्यान देना कि अगर आप इसमें सिलेक्शन आपका होता भी है तो कहीं ना कहीं आपको के लिए एक नेगेटिव पॉइंट होगा, क्योंकि देखो यार, 9 महीने के लिए किसी 9 मंथ के लिए किसी के लिए काम करोगे भी फ्री में, और ये उसका ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, टेक महिंद्रा का। तो यार देख लो, अगर आप लोग का अगर हो जाए सिलेक्शन तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 9 मंथ के लिए बिना अनपेड काम करना, और उसके बाद ये गारंटी नहीं है कि आपको ले ही लेगा वो, तो एक बार आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है ना, बस यही आपको इन्फॉर्मेशन देना था। ठीक है, तो फ्रेंड चलिए मिलते हैं आप दूसरे वीडियो में, तो अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें। जय हिंद, जय भारत।